लो फिर मित्रों आज का ब्लॉग की शुरुआत ते ब्लॉग हो रहे हैं सेम जसमीत जाना काम ते ते वीडियो हो जाएगी लेट। वाह आ की शायरी बनी है ना भी। लो मित्रों आज के ब्लॉग की शुरुआत वीडियो हो रही है सेम ते सेव ते हो रही है लेकिन हो जाएगी थोड़ी लेट क्यों क्योंकि जसमीत कौर ने जाना है काम ते। जसमीत कौर काट रही है अपने लिए नहीं अनाज ली से है ना सॉरी शायरी हो गई हुई। जसमीत कौर ने जाना है काम ते कट रही है अनाज ली से आगे लाइन पूरी लाइन नहीं फ्रंट वाली नहीं सुनी तू ते तुहानू सारयां नू सति श्री अकाल है। तो मैं थले जाके गड्डी कढ़ा ते इहनू छड के आवां हरजी दा काम रहेगा अनाज नू छड्डना हुण थोड़े दिन इहदे रहेगा इक जणे दी अलग अलग ड्यूटियां लगनियां ते अद्धा दिन वखरा क्यों क्योंकि अनाज कौर भी अज चली है स्कूल ते वैसे उहदी छुट्टियां सीगियां पिछे ते हुण उहदी छुट्टियां उहदियां मुक गईयां। मतलब मेन चीज़ ए आ कि सारे जने अपने अपने कामों नू मतलब अनाज स्कूल नू जसमीत अपने नू काम नू मैं घर आ के मैं भी नहा तो के अपने काम नू मम्मी फटाफट सारे घर का काम खत्म करवा के काम वाली दीदी भी आ जाएगी नाल सफाई सफुई सब कुछ कर कुर के मम्मा भी फ्री ते फिर अनाज आएगी फिर घर गंद मतलब गंद पैर नू तैयार तो उही काम है ते बाकी आ तुहानू सारयां नू ब्लॉग च मजा आएगा। ते पहले जसमीत नू छड्डदे आ ऑफिस ते मिट्टी देखो कि दंद नू आ रही है बाहर झाड़ू बाज रहा नोनू स्कूल जाण लई रेडी अपने घर सुते अरु चलो तानू चाचा छड़ के आ रहा है ठीक है नहीं मम्मा मम्मा नु जी पापा छड्डेंगे तानू चाचा ठीक है आज अपा मैनू पता नहीं सी जीत ने स्कूटी ते लेके जाना या ते फिर जैकेट ते मंगाईया हुण आ क्यों काट रहे हो अच्छा इनू साइड कर ला फिर सारू कहंदी आओ आओ मेरे पास अद्दा बोलेगी आओ मेरे पास बाय मम्मी सलंसर तू चेक कर सलंसर ले दियो क्या हुआ चुप रोना नहीं क्या हुआ हुण ऐ पता की कह रही है कि मैं जी पापा और मम्मी नाल जाऊंगी जे उसे चलेगी तो स्कूल लेट हो जाएगी तो छाड़ दे ना रवा भरावा आ जा रोना नहीं हैगा रोना नहीं चाचू दूजी स्कूटी ला रहा तुसी चाचू नाल दूजी स्कूटी दे मम्मी स्कूटी दे ठीक है चल मैं बोल रहा हूँ ठीक है बाय आज नहीं आएगा नाल लगाओ हाँ जी सत श्री अकाल जी शाम की चाह के वक्त मैं थानू सत श्री अकाल कर रही हूँ। सारा दिन बीत गया बहुत ज्यादा थक गई सी मैं साफ सफाई वाली आई नहीं सी फिर मैं सफाई कसोई करके वेली होके बहुत थक गई रोटी रूटी बना के अनाज गई सो हूँ अनाज भी उठ गई है तो मैं थले वाले वास्ते चाह बना रही हूँ चाह बना के फिर अनाज नू पावांगे रोटी अनाज नू बिठा सिखा के आई हाँ कि तू बैठ के बन बन लिख तो जसमीत साढ़े चार हो गए जसमीत के आने का भी टाइम हो रहा देखो कितनी देर तक आती है परसों तो लेट आई थी आज पता नहीं कितने बजे आएगी बाय जुजान जुजान बाय कर दे टाटा चले तो अच्छे अनाज दा वीजी छोटा छा जुजार सिंह छोटा बीबी कितने मजे ना देख रहे हैं ना शरारती है एक नंबर का
लो जी जुजार सिंह गया अपने हाउस जा रहा है। तो सत श्री अकाल, ओ सत श्री अकाल क्यों कर रही है मैं? हाँ जी सत श्री अकाल, मैं आ गई हूँ दोबारा घर वापिस। तो आए नु मैं 15-20 मिनट हो गए दीदी बैठे हुए सी, सो आप लग गए गल्लां बातां करन। तो शाम के बज रहे 6:30, तो अरनाज़ बहुत ज़्यादा खुश सी, छोटा बेबी आया कहिंदी मेरा फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड मम्मी फ्रेंड कह रही थी अपने को, मेरा फ्रेंड आया। आके मैं हजे पानी वाणी कुछ नहीं पीता, वॉशरूम फ्रैश वगैरह भी नहीं हुई। सब तो पहले मैं आके अनाज की कॉपीज देखिया कि अज मैम ने की कराया, अज उन्हें 0 कराया। तो मैं मम्मी कह रही थी मम्मी जो उठती है ना खेडन की जगह ना इनू कल तो मम्मी पढ़ाऊगी स्टडी कराऊगी घरे। बाय 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 बाय। साढ़े दीदी आई, इन्होंने आप जो है कपड़े वगैरह सूट वगैरह सवाने। तो इन्होंने 10-15 दिन हो गए फोन किए मम्मी को कि सूट जो है मेजरमेंट देख जाना सही है फिटिंग। मम्मी तो गई नहीं बेचारे, उ आ गए सूट लैके कि भी आंटी फिटिंग देख लो मैं सी के दे दव तू, फिर तुरपाई तुरपुई करा के है मम्मी। हाँ आप ही आ गए मम्मी, तो गोभी ले ली अज फिर गोभी गोभी खाई 1:30 बजे। ते तुसी दोपहरी खादी? फिर दोपहरी खादी, नहीं खादी सब्जी, बस मैं ला दूंगी रख दो। हाँ मैं हुने ठहर के ला दूंगी, हजे तो 6:30 हो आराम नाल दाल नू ला दूंगी तड़का, स्वाद जी दाल बनावांगे। दैया नाश करे की होया की मेरी चोनी आई, मेरी चोनी आ पाकर स्कूल की किराया आज मैम ने, आज तू कितने दिन बाद छूल गया छोलो हैं? और छोयो 0 किराया आज है 0 लिख, और की किराया मैम ने? हां 0 तो अलावा और की किराया? छड़ लो दिखा दादी कह रही तू तोड़ता दिता गिफ्ट है, केड़ा गिफ्ट मिलिया सी दिखा मेनु स्कूल तो अजे स्कूल किसी देखो नाल ही लगी दिखाओ की होया इन्नी सारी कपड़े तय लाने लगे सी तुसी है? कोई नी वैसे ठीक है साम के रख लांगे फिर। और की होर ए मिलिया तेन अनाज कौर गिफ्ट च? अनाज दया तो मोजे ही लग जाए। मैं क्या डॉम्स का शॉपनर पेंसिल सब का सैट है, चलो बहुत सारे हो गए। मैं अनाज के साम साम के रखी जानी हाँ। ऐ सी का लॉक है दा? नहीं ऐही दा है एचा पेन लॉक है। हाँ आ क्या किया है? मैं बैग अंदर रख के गई, मैं वॉशरूम गई सी कि हाथ मुंह धोने, तो जब मैं आई तो अकाउंट हो चुका सीगा। चल इधर आ जल्दी साफ करा फिर चिपक जानी, नहीं तो है तेरी तो। चल 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 देखो मम्मी सारी लिश ला ली उन्हें, चला साफ करा ना बेटा चिपक जानी हो, मुंह लाल हो जाना तेरा, जल्दी आ। कहंदी मेरा मुंह एडा बड़ा हो गया, मुंह एडा बड़ा हो गया लिपस्टिक ला के दिखा, बड़ा मुंह दिखा दादी नू लड्डू, बड़ा मुंह तो दिखा दे जल्दी कर। जी फिर मैं भी घर आ गया, मैं लेकिन आज थोड़ा जा लेट हो गया, 7:30 हो गए ने, 7:20 हो गए शायद टाइम, लेकिन मैं आंदे नूडल लेके आया भी, आज नूडल खावांगे। तो मेरी वे माय छोटी चमक, चलो है बड़ी तो ये खड़ी छोटी कहाँ? छोटी अनाज को हाँ क्यों नहीं कितने देखो तूने वो चला दी सी स्कूटर ले अपने। ठीक है तो तेरा दिन किधर है? तेरा दिन किधर है? धन मैं क्या कि धन केड़ा धन है मेरा? नहीं वधिया रहा दाल में तड़का ला रही हूं। दिन वधिया रहा बेंच आपका दिन कैसा था भी?
थकावट रखिए, चलो सो जाओ। ऐसे क्या कर रहे हो, दोबारा करना। प्लेट से थोड़े से पहले नूडल्स दिखिया जसमीत को, चुप चुप बड़ी होगी। मेरे वाल की कैमरा कर रहा, कल ही मैं थोड़ी खादी हैं। तो फिर बोल, बड़ी देर बाद बोलनी है, तो मैं ही सोच रहा हूं, तक डायलॉग सोच रही थी कि डायलॉग दवा वापस रिटर्न से मैं आला कैसी सोच रही थी ना, अरे बेचारी देखो किदा खा रही है, लगी थी ना, मेनू भी लगी थी। हां ए की कर रही है, इशारा चज के गल समझा लगी, ए किने खादी, मम्मी ने ते पापा ने, तू नहीं खादी हरजी चाचा, इशारा चाहिए गल, इशारा हर चीज समझाना चालू हो रही है यार। ये मत खाइयो, ये गेट लिए बेटा। कैसे हो आप, कैसे हो, कैसे हो अरु, कैसे हो फिर करियो, कैसे हो, आज लो गिफ्ट मिला किसे, बर्थडे थी यूट्यूब पता नहीं की हो रहा है, जसमीत कौर की व्लॉग कैलकुलेटिंग करन लगी हुई है, है ना। शॉर्ट बन पर तुम गल दसा मजेदार वाली, की गल दसनी सी मजेदार वाली। हाँ कुछ नहीं दसना, मैं दा बड़ी बदतमी है यार, मम्मी नु कुछ ना कुछ पीछे होई जांदा सी। मम्मी की है, ये टूटी है क्या, है देख किदा सोना रबड़ है, रबड़ मिले नु आज। हाँ। जसमी अनास को अच्छा पेंसिल दे पीछे लगान नु भी है। हां ए देखो ऊपर लगान नु, पीछे नहीं वो। हाँ। ऊपर ही हुंदा, पीछे वो भी उत्ते ही हुंदा, पीछे नहीं होता वो। ए गया ये की कहंदे सी, ओ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਹੈ, ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਠੰਡ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ। ਓਹੋ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਾਮਾ ਸਿਰ ਗਿਆ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਅਨਾਸ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਜਿੱਦ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਟਮਕਦੀ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਚੱਕੀ ਅੱਥੇ ਬੈ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ। जशन बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जशन चार्जर ना चाहिए, जशन के हाथ एक चार्जर प्लस फोन रहना ही रहना। मम्मी की कह रहे हो, जैकेट इन पसंद ही नहीं आती, चार चार पलट ऑयल लगा दे इसको, ऑयल जा धोले पैर धोले, पैर खाज हो रही है पता नहीं क्यों। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈਕਟ ਐਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਕਟ ਦਿਨ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਾਣਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੱਗ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗ, ਰਾਤੀ ਲੱਗ। ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ, ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ 10 ਦਿਮਾਗ ਦਿਮਾਗ ਕਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜੈਕਟਾਂ ਵਾਰ ਕਢਾਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪਾਪੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਕਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੱਲ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਦੁਬਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ।
ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਣ ਜਸਮੀਤ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਰਨਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੱਗ ਤੋਂ मम्मी का सफर मेरे बिना कल वाले व्लॉग च जरूर देखियो ठीक है पिछो मम्मी दिखाओगी तानू मम्मी मेरे पिछो पिछो की करदी अजे तो तानू व्लॉग च नहीं दिखदा ना मम्मी एक अद्धी क्लिप ही लैंदी है कल मम्मी प्रॉपर दिखाऊगी ठीक है कल वाला व्लॉग देखना कह दो ना भूलियो मैं बनाऊंगी हां थोड़े बहुत ऐ बनाएगी मैं जब तक मैं एदे एंड तक थक जानी हूं व्लॉग बना दूंगी हाँ बंदर मामा लाओ वे की दो वे उन्हें पहले जब तो मैं कल आवांगी तो देखांगी मम्मी ने कितना ही है मम्मी ने की होना है फिर उस तो बाद मैं कंटिन्यू करूंगी तो सब्जी का ना जान देना सब्जी तो सारी सब्जी यही खाने की अच्छा खाने की ओ दोस्तों उन्हें बंदर मामा ला दो भाई पहले मतलब ऐसा होता अगर करो कोई एक जना किते जांदा भी ना दूध च बड़ा फर्क पांदा बंदा पूछ सारा दूध ही पींदा सी या सारी चाह ही पींदा सी नहीं हुन ऐसा देखो सारी सब्जी मैं ही खांदी हूं नहीं खांदे नहीं सी अच्छे पाए ले पाऊ हुन सब्जियां भी बच जांदियां कल मटर नहीं ना आई ओ जो तक पिया दसो हुन असि दाल बना लिया मेरे सारे भी पई अच्छा सर्दियों च ना बेनीफिट हैगा आ जिदा हुण राती सब्जी बनाई है ते बंदा लंच च अगले दिन लजा सकदा है ना सवेरे सवेरे सब्जी बनाने की दिक्कत नहीं होंदी बस रोटी बना के ले जानी पैंदी है रोटी बनानी पैंदी है इदा देखो है ना सब्जियों दा टेस्ट नहीं चेंज हुंदा सर्दियां बहुत गर्मियां च बड़ी टेंशन रहंदी है गर्मी च फिर ताजी ताजी बना के लग सब्जियां भी चंगीयां आहो तोरी घिया भिंडी मौसम भी चिपचिपा सब्जियां भी चिपचिपी हां चिपचिपी भिंडी चिपचिपी सही गल आ किया तोरी सही गल कोई भी नहीं खांदा बड़ा नक मुंह वटदे ने सारे खान लग गया सब्जी बनाने लगे 36 वारी सोचना पे सर्दियां आ गई है साडे घरों गोभी भी खत्म हो गई आहो आज गोभी खत्म हुई सी मैं तेल ले ली मैं अगो मम्मी मम्मी सब्जी फेर गोभी ले ली मैं देख दे मैं कह मम्मी तुसी फेर गोभी ले ली मम्मी कहंदी हुन और सब्जी है केडी गोभी है गाजर है हुन शलगम आ जानेगे पालक मेथी साग बस मेरी छुट्टियां आ फ्राइडे तो बाद फिर बनावांगे तीन दिन ठीक है हां स्कूल आने आज स्कूल देख दी मैं दौड़-दौड़ के काम करती हां रोटी भी बन जाएगी जो भांडे धोते हुए सो ऐदा ही हो जाता रल मिल के क्योंकि पहले दा ही साडा ए हो गया सीगा कि काम सब दे वधण वाले है ना पर फिर मम्मी हुण शाम तक थक जांदे फिर शाम तो आके मैं कर लैनी आ क्योंकि हजे मेरा ओ ऑफिस वर्क है ना मेनू घर आके नहीं कोई काम करना मेनू जेड़ा है उत्थे ही निपटा के आना है ना ते इस करके फिर घर का ऑफिस का कोई घरे काम नहीं होंगे ना फिर आके सवा छे बजे तक आ जानी हूं मैं जिदा ए नहीं है कि 8 बजे आ रहा है बंदा नौ फिर तो बिलकुल भी ना हो कुछ पर है कि जिदा कम भी होंगे ता भी 6 बजे भी छुट्टी होंगी तो 6:20 तक 6:15 तक मैं घर होनी हाँ अंदर काम ला बाद जान तो टाइम करके जाना पैंदा ना उन्हें 1.5-2 घंटे लगते आराम नाल
ਸਾਰਾ ਟੈਲੀ ਟੂਲੀ ਕਰਨ ਚ ਸਭ ਸਭ ਕਰਨ ਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 6-7 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ 4 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਹੀ ਏਦਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਚ ਤੇ ਇਹੀ 6:15 ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਨੇਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨੀ ਹੋਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਸਭ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:15 ਤੱਕ ਚਾਨਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀ ਹੈ बिल्ली कितनी क्यूट आ आए है आए है मैं तुहानू सारिआं नूं इक गल दसां ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਨਾ ਮਹੀਨਾ ਅਰੂ ਇਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈਆਂ ਡੀਕਾ ਸਹੀ ਆ ਇਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੁਜਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੜੀ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰ ਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਟਰੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਭਲੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣਾ ਵਧੀਆ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਪਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਚੀਂ 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 ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚੱਦਰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ